हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो यार मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को मेंटिस माउस प्रो का ओनली फॉर फ्री वाला की मैपिंग करके बताया था। बट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेंटिस माउस प्रो का प्रो वाला की मैपिंग करके बताऊंगा, यानी कि पेड वाला की मैपिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यार मैं एक्टिवेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदे मुझे एक्टिवेशन के रिलेटेड ही कमेंट करते हैं। तो मैं जल्द से जल्द यार सभी एक्टिवेशन पे वीडियो बना दूंगा। लाइक यहाँ पे एंड्रॉइड 10 हो गया या फिर एंड्रॉइड 11 हो गया, तो उस पर भी मैं वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। अब आ जाते हैं हम लोग की मैपिंग के ऊपर। एंड यहाँ पे अभी मैंने ऑलरेडी बेसिक की मैपिंग किया हुआ है, बट अब यहाँ से हम लोग प्रो की मैपिंग के बारे में बात करेंगे। लाइक यहाँ पे होल्ड हो गया, ऑर्डर हो गया, और यहाँ पे एक स्वाइप हो गया और एक मोबा हो गया। तो इन सभी का कैसे आप लोग यूज कर सकते हो, इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं प्लस वाले आइकन पे। एंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट है होल्ड। तो मुझे तो नहीं लगता कि यार इस वाले होल्ड का कोई काम होगा, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग इसका स्काइलर को यूज करने के लिए, कैरेक्टर यूज करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके जब आप लोग रखते हो, उसके बाद आप लोग वॉल के साइड एम कर सकते हो। एंड जैसे आप लोग एम कर लो एंड जैसे उसके बाद बटन को छोड़ोगे, वैसे ही आपका वो स्काइलर यूज हो जाएगा। एंड सेकेंड आता है हम लोगों का यहाँ पे ऑर्डर की। तो यहाँ पे चलो यार ऑर्डर की के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइक इसका यूज आप लोग डबल स्नाइपर के लिए भी कर सकते हो एंड फास्ट इमोट के लिए भी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर की पे टैप करके यहाँ पे मैंने 1 को टैप किया एंड फिर से मैंने उसी को सिलेक्ट करके 1 को फिर से सिलेक्ट किया, 1 वाले बटन को। ओके, तो यहाँ पे 1 वाला की जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अब देखो यहाँ से जो 1 वाला का फर्स्ट है उस की को हम लोगों को रखना है वेपन 1 पे, एंड उसी 1 वाला को दूसरा जो की है उसको हम लोगों को रख देना है स्कोप वाले सेक्शन पे। एंड जैसे हम लोग इसको की मैप कर लेते हैं तो यहाँ से भी हम लोग डबल स्नाइपर ले लेते हैं। एंड अब देखो यहाँ से उसी की को, सेम की को डबल टैप करते हो तब आप लोगों का यहाँ पे स्कोप इन भी हो रहा है एंड साथ में यहाँ पे आपका वेपन स्विच भी हो रहा है। एंड जैसे आप लोग फायर करते हो तो आपका डबल स्नाइपर नेक्स्ट लेवल चलने वाला है। चाहो तो आप ऑर्डर की को यहाँ पे फास्ट इमोट के लिए, 1 की इमोट के लिए भी यूज कर सकते हो। लाइक अभी मैं आप लोगों करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑर्डर की को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए वी को टाइप कर देता हूँ, वी बटन को यूज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे अभी आप लोग देखोगे मैंने 2 बटन ले लिया। अब यहाँ से करना ये है कि 1 वाला वी है उसको हम लोगों को इमोट वाले आइकन पे रख देना है एंड उसके बाद सेकंड वाला तो सबसे पहले सेव करते हैं एंड आइकन को ले आते हैं। चलो यहाँ पे ये आ गया। एंड अब यहाँ से आप लोग देखो कि मैं जब हाई वाला इमोट मेरा लेफ्ट साइड में एंड वहाँ पे अब मैं सेकंड वाला जो वी है उसको मैं रख रहा हूँ। एंड अब यहाँ से हम लोग फाइनली देख रहे हैं इसका टेस्टिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट टैप किया तो यहाँ पे ये इमोट का आइकन शो हो गया एंड सेकंड टैप करो तो यहाँ पे ये अभी हाई वाला इमोट इजिली लगा पा रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग पूरा फुल सर्कल है उसका जितना भी इमोट है उन सभी को ओनली 1 की से आप लोग यूज कर सकते हो। एंड फास्ट इमोट के लिए आप लोगों को बस सिंपल 1 की ले लेना है एंड उसके बाद यहाँ से आप लोगों को इमोट वाले सेक्शन पे रख देना है। तो यहाँ पे पीसी की तरह तो फास्ट नहीं लगाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनके डेवलपर से बात करूंगा एंड उसके बाद इसमें ये फीचर ऐड कराऊंगा, रिपीटेड टैप वाला एक बटन। तो उसके बाद आप लोग भी एकदम लाइक पीसी की तरह इमोट लगा सकते हो। अब आता है हम लोगों का स्वाइप। तो स्वाइप यूज करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देखो कि मैं हमेशा शॉर्ट गन को स्लॉट 1 में यूज करता हूँ और लॉन्ग रेंज को स्लॉट 2 में। ओके, अगर आप लोगों का स्लॉट 1 में रहा लॉन्ग रेंज और स्लॉट 2 में रहा शॉर्ट रेंज, तब आप लोग इसको कैसे चेंज करोगे? इसके लिए आपका माउस पॉइंटर को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, बट इसका भी आप लोग की मैप कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अभी मैंने प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक किया एंड उसके बाद यहाँ से आप लोगों को प्रो वाले में चले जाना है और यहाँ से आप लोगों को स्वाइप वाला एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे जो स्वाइप वाला है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो अपर वाला स्वाइप है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक की दे देता हूँ। लाइक यहाँ पे टेस्टिंग के लिए जेड दे देता हूँ एंड इसको मैं बैकपैक वाले वेपन के ऊपर रख देता हूँ एंड यहाँ पे इसका साइज भी छोटा करके इसको एकदम मिडल में रख देता हूँ जिसे ये स्लॉट 2 का गन स्लॉट 1 में कर सके। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे तरीके से सेट कर देता हूँ एंड अब यहाँ से इसको टेस्ट करते हैं। एंड जैसे मैंने यहाँ पे देखो बैकपैक ओपन किया, जेड को प्रेस किया, तो देखो यार यहाँ पे मेरा जो वेपन 2 में जो यानी स्लॉट 2 में जो गन था वो स्लॉट 1 में इजीली कर रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग भी, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर माउस का कर्सर हाइड एंड शो करना बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप लोग शो करते हो उसके बाद हाइड करते हो तो आपका माउस कर्सर इस स्क्रीन पे ही दिखता रहता है। तो इसीलिए यार इस की फीचर का आप लोग यूज कर सकते हो। अब यहाँ से हम लोगों को लास्ट की फीचर देखने को मिलता है मोबा। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने मोबा को यूज किया तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एम बटन दे देता हूँ एंड इसका यूज हम लोग फ्री फायर के अंदर फ्री लुक के लिए कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अभी हम लोग कस्टमिटी में चले जाते हैं एंड यहाँ पे अभी आप लोग जो फ्री लुक वाला बटन देख रहे हो ये इसी के लिए काम करता है। लाइक यहाँ पे अभी देखो मैं इसको इसी पे सेट कर देता हूँ एंड जैसे मैंने इस पे सेट किया
एंड जब मैं एम को प्रेस करूंगा तब यहाँ से ये इस पर टैप कर देगा एंड माउस को जैसे जैसे मूव करूंगा वैसे वैसे यहाँ पे ये फ्री लुक वाला वर्क करेगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी फ्री लुक का भी यूज कर सकते हो। तो यार यही रहा इसका पूरा फुल पेड की मैपिंग। तो आप लोग खुद ही कमेंट करना कि इसमें कौन सा की मैपिंग आपको बेस्ट लगा और कौन सा बेकार लगा और इसमें कौन कौन से की फीचर और ऐड होने चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसमें एक और प्रॉब्लम फेस हो रहा है, लाइक यहाँ पे जो मेरा एंटेक का माउस है, गेमिंग माउस है, ये इसमें बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है यार, इसमें बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे जेब्रोनिक का माउस यूज़ कर रहा हूँ। इन्हीं सभी बग्स के रिलेटेड एंड कुछ और न्यू की मैप फीचर ऐड करने के रिलेटेड मैं इनके डेवलपर से बात जरूर करूंगा। ओके तो बस यार आज के वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें।